मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पहली बार नीमच पहुंचे, जहां 752 करोड़ की विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही सीएम ने यहां रोड शो भी किया और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत पर आभार जताया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई अहम घोषणाएं की। एमपी में जल्द एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की बात कही। वहीं सीएम ने आज उज्जैन में सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं से फोन पर ही बात की। जैसे ही फोन की घंटी बजी, सामने से आवाज आई, मैं सीएम मोहन बोल रहा हूं, आपकी शिकायत का क्या हुआ? ये शब्द सीएम के थे। सीएम ने शिकायतकर्ता की शिकायत का अपडेट लिया और दो शिकायतकर्ताओं को अपने पास भी बुलाया। फोन पर घंटी बजी, आवाज आई, मैं सीएम बोल रहा हूं, आपने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है, क्या है आपकी शिकायत? ये सवाल सीएम मोहन ने शिकायतकर्ता से पूछा। दरअसल उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ता से फोन पर बात की। सबसे पहले सीएम ने नवीन माथुर नाम के शिकायतकर्ता से बात की। आपको पैरालिसिस हुआ ना? मेरे 3 महीने हो गए, कोई बात नहीं, आप अभी ले आओ, मैं आपकी मदद कर दूंगा, है ना? थोड़ा आकलन लेके आना, कितना मोटे तौर पे कितना आपको खर्चा लग रहा है, मेरे को बताना, मदद करना, ठीक है? ठीक, आइए आइए, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? नवीन माथुर आ जाएंगे, है ना? मैं किसी को बताते हैं, नवीन माथुर को आने देना भाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुनैना नाम की युवती से भी बात कर शिकायत सुनी। इस दौरान सुनैना ने स्कॉलरशिप की समस्या बताई, जिस पर सीएम ने संबंधित विभाग को समाधान के निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यूं अचानक शिकायतकर्ता से कॉल पर बात करने का उद्देश्य लोगों से संपर्क में रहना और उनकी परेशानी को समझना था। सीएम ने कहा कि जो फर्जी शिकायतें हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और इससे एक अच्छे तंत्र के माध्यम से शासन को जागरूकता की चर्चा भी आ जाए। लेकिन इसमें जो जान करते झूठी शिकायतें करते हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि झूठी शिकायत वाले मामले में भी शासन गंभीरता के साथ ऐसे जो इसकी दुरुपयोग करते हैं उसको प्रभावी तरीके से रोकने का प्रयास भी हम करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिकायतकर्ताओं की शिकायत को सुना, दो शिकायतकर्ताओं को स्मार्ट सिटी दफ्तर भी बुलाया ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके। नवीन माथुर की शिकायत सुन सीएम ने पिता के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई निजी अस्पतालों ने इलाज के बाद 373 मरीजों से पैसे वसूलने और उनका बिल आयुष्मान भारत योजना के तहत भी लगा दिया। इतने नहीं, बाहर से कराई गई जांच भी इसमें जोड़ी जाती रही और जब जांच हुई तो 76 अस्पतालों का गोलमाल सामने। जांच के बाद इन अस्पतालों को 1.86 करोड़ रुपए यानी कि 1.86 करोड़ रुपए लौटाने पड़े, तो वहीं 36 करोड़ रुपए का जुर्माना भी इन पर लगा है। तो ग्वालियर पर जो ग्वालियर के अस्पताल हैं उनमें 2 करोड़ का जुर्माना लगा है। इंदौर में 1.24 करोड़ का फाइन का भुगतान करना पड़ेगा इंदौर के अस्पताल को। भोपाल में 1.23 करोड़ का भुगतान करना होगा। तो करोड़ों का जुर्माना अब इन अस्पतालों को देना होगा। ये अलग अलग शहरों के अस्पताल, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जहां पर आयुष्मान कार्ड के नाम पर घोटाला इन प्राइवेट अस्पतालों ने किया है और इन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का बयान आया। न्यूज 18 से खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद राज्य सरकार सख्त एक्शन के मूड में है और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही जिन्होंने योजना के तहत मरीजों से पैसा वसूला और इस योजना में सरकार से भी पैसा लिया।
हमारे साथ मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर, आयुष्मान भारत योजना में किस तरह की गड़बड़ी सामने आई और क्या एक्शन की जा रही है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए योजनाएं, अनेक योजनाएं चल रही, उसमें से एक आयुष्मान भारत कार्ड योजना भी बहुत सुंदर योजना, जिसमें हमारे नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध हो सके, इसलिए योजना बनाई है। लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं जो इसमें भी गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स ने गलत क्लेम किए हैं, कुछ हॉस्पिटल ने मरीज से भी पैसा ले लिया और आयुष्मान कार्ड के तहत भी क्लेम कर दिया, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया है और हमारे अधिकारीगण इसमें लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। उस मॉनिटरिंग में इस तरह दोनों तरह के जो केस पकड़े गए हैं, उसमें जब मरीजों से पैसा जो उन्होंने ले लिया है, उनको मरीजों को पैसा वापस दिलाने का काम किया हॉस्पिटल से वसूल के, और जिन्होंने गलत क्लेम किए थे उन पर भी जुर्माना लगाने का काम भी किया, और जितना उन्होंने गलत भुगतान ले लिया था शासन से उसको मैं जुर्माने के हमने वापस कराने का काम किया, ताकि वो किसी भी शासन की अन्य योजना का दुरुपयोग कर सके, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और आर्थिक जुर्माना भी उन पर भारी लगाया। तो ये स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस तरह के अगर मामले सामने आते हैं तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। अब बात उस वारदात की जो पुलिस पर सवाल उठा